गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल मैं डॉक्टर विनीत सहगल सीनियर न्यूरो फिजिशियन अमनदीप मेडिकल सिटी अमृतसर। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स यानी कि दिमाग की बीमारियां की जागरूकता को बढ़ाने लिए असं एक मुहिम छेड़ी है जिसके तहत असी अज सिरदर्द हैडेक को डिस्कस करेंगे। हूँ जरा सिरदर्द है इट्स वन द कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। जरा सिरदर्द हैगा ये एक बीमारी भी हो सकती है और किसी बीमारी का लक्षण भी हो सकता है। सो असी मोस्ट फ्रीकुएंटली आस क्वेश्चन लवेंगे सिरदर्द के बारे में। सो पहला जो क्वेश्चन है हो विल यू क्लासीफाई हैडेक। सिरदर्द किन्ने प्रकार के होंगे? सिरदर्द ब्रॉडली दो तरह प्रकार के होंगे, एक होंगे प्राइमरी हैडेक एक होंगे सेकेंडरी हैडेक। प्राइमरी हैडेक वो हैडेक है जिसमें सिरदर्द ही बीमारी है। सेकेंडरी हैडेक वो हैडेक है जिस विच किसी बीमारी का लक्षण सिरदर्द होंगे। सिरदर्द के नाल नाल मरीजों को होर भी कोई लक्षण होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सेकेंडरी हैडेक। सेकेंडरी हैडेक के की कारण हो सकते हैं? जिमें कि सब तो पहले ब्रेन ट्यूमर, फिर ब्रेन हैमरेज, सबरेक्यूलर हैमरेज, बिनाइन इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन, सेरेब्रल वीनस थ्रोम्बोसिस, इंट्राक्रैनियल हाइपोटेंशन, टेम्पोरल आर्थराइटिस और एटसेट्रा। सो ये सेकेंडरी हैडेक के कॉजेस। सेकेंडरी हैडेक से सानू एमआरआई, एमआर विनोग्राफी, एमआर एंजियोग्राफी, कई बार सीएसएफ एनालिसिस भी करना। सो अगला क्वेश्चन आता है डॉक्टर साहब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्राइमरी हैडेक। प्राइमरी हैडेक ब्रॉडली तीन तरह के होंगे है। सब तो पहले माइग्रेन, दूजा टेंशन टाइप हैडेक और तीजा ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक फैलजियस। जिहड़े अगे तीन तरह के होंगे है जिवें क्लस्टर हैडेक हो गया, प्रोक्सिमल हाइपोक्रेन, प्रोक्सिमल हेमिक्रेनिया हो गया एंड संक हैडेक्स। इन्हें जो कॉमन हैडेक्स है वह है माइग्रेन के टेंशन टाइप हैडेक्स। सो जो प्राइमरी हैडेक्स है इन्होंने एम आर आई या होर भी टेस्ट सारे नॉर्मल ही आते हैं। अंटर अनलैस ए टिपिकल प्राइमरी हैडेक हो या क्लस्टर हैडेक हो जानू कई पिट्यूटरी ट्यूमर्स मिल जाते हैं, इन्हें एम आर आई नॉर्मल आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन लोग पूछेंगे डॉक्टर साहब फिर असं किमें डिफरशिएट करांगे कि ये माइग्रेन है, टेंशन है या अपना क्लस्टर हैडेक है। सो इनू डिफरशिएट करने वास्ते साढ़े को सब तो बेस्ट चीज़ हैगी है असी पेशेंट की हिस्ट्री लीए, पेशेंट का टाइम स्पेंड करिए, रैपो बिल्ड करिए, उन्होंने हिस्ट्री प्रॉपर लीए। सो बाय सीइंग द पैटर्न ऑफ सिरदर्द, सिरदर्द का पैटर्न की है, सिरदर्द कितों स्टार्ट होंदा, किमें स्टार्ट होंदा, उस तरह असं डिफरशिएट करते हैं कि तिन्ना विच किस तरह का सिरदर्द। फिर अगला क्वेश्चन आता है डॉक्टर साहब डिफरेंशिएट, ये डिफरेंशिएट करना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये तीनों तरह के जो प्राइमरी हैडेक्स है माइग्रेन या टेंशन टाइप या क्लस्टर हैडेक या जिन्होंने असं ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक फैलजियस बोलते हैं, इन्हों का तिना का इलाज अलग अलग है, वखरा वखरा है। सो इन्हों डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हों डिफरेंट करने लिए प्रॉपर हिस्ट्री चाहिए क्योंकि टेस्ट इन्हें भी सारे नॉर्मल है। सो हूँ की पैटर्न है, किस पैटर्न के बेसिस डिफरेंशिएट करते हैं? सब तो पहले माइग्रेन लेंगे। माइग्रेन मतलब ग्रीक वर्ड हेमिक्रेनिया, मतलब अद्धे साइड की सिरदर्द, सिरदर्द अद्धे साइड की होनी, सिरदर्द नाल टस टस करनी, सिरदर्द नाल उल्टियां का दिल करना, सिरदर्द नाल कभी उल्टी आती भी है, सिरदर्द नाल दिल करता लाइट बंद हो जाए, कोई शोर ना मचाए, मरीज का दिल करता मैं शांति नाल बह जावां कितें, और तीन तो चार घंटे तो ज़्यादा रहनी रहनी है सिरदर्द, अंटेनलेस बंदा सोवे ना या दर्द की गोली ना खाओ। ड्यूरेशन जी मिनिमम ड्यूरेशन यही है 4 घंटे एंड इट कैन एक्सटेंड अप टू 72 आवर्स। सो जे कई कई बार मरीज मनपुर सिरदर्द 1 घंटे लिए 15 मिनट लिए होया उस अपने आप ठीक हो, माइग्रेन नहीं है, माइग्रेन का सिरदर्द हमेशा 4 घंटे ज़्यादा रहता है, अंटेनलेस भी दवाई खाओ। सो ये माइग्रेन के जे अपने पैटर्न हूँ। जे माइग्रेन जरा है ये माइग्रेन इज बेसिकली ए सिंड्रोम कंपलैक्स। माइग्रेन 4 फेसा वंडिया गया। सब तो पहला फेस होंगे प्रोड्रोमल फेस, जिन्ना पेशेंट सिरदर्द होंगे ना उन्होंने पहले ही एहसास होना शुरू हो जाता कि अगर उन्होंने सिरदर्द होगा, उन्होंने उबासी आनी इशू हो जाएगी, थकावट होनी इशू हो जाएगी, उन्होंने साउंड तो एलर्जी हो जाएगी, लाइट तो एलर्जी हो जाएगी। सब फिर उस तो बाद आता कई लोगों ओरा फेस, सारे नहीं ओरा फेस, मतलब अखा अगे तारे आ जाने, कलर लाइट्स आ जाएंगे या जिग जैग लाइनस आ गई, या कई बार अखा थोड़ी थोड़ी बहुत रोशनी कमजोर हो जाती। फिर उस तो बाद थर्ड फेस होंगे सिरदर्द का फेस, फिर घट तो घट 4 घंटे सिरदर्द रहेगा,
फिर उसके बाद चौथा फेस आता है पोस्ट ट्रॉमल फेस, जिसे में बंदा ड्रेनड आउट हो जाता है, टोटल बंदे को थकावट हो जाती है, पूरा बंदा थक जाता है, वीक आउट हो जाता है, एलोडिनिया होता है, हाथ लाइन दर्द होती है। सो ये माइग्रेन के चार फेस है, ठीक है। हुन ये माइग्रेन तो जो नेक्स्ट अपना सिर दर्द है वो है टेंशन टाइप हेडेक। टेंशन टाइप हेडेक का दूसरा नाम है फीचरलेस है। फीचरलेस क्यों? क्योंकि ये बायलेटरल होएगा, दोनों पासे होएगा, बीच के क्या ऐसा लगता किसी ने रस्सा बनाया थे, पट्टा बनाया किसी ने, एरे विच उल्टियां दा दिल नहीं करता, एरे विच उल्टी आंदी भी नहीं, एरे विच ए भी दिल नहीं करता लाइट बंद हो जाए कोई शोर ना मचाए, इस ऑफिस आके स्टार्ट हो जाता है, फ्लक्चुएट ही फ्लक्चुएट करती है, तीन चार घंटे चार पाँच घंटे रहेगा और जिमें जिमें शाम पी है कि दर्द घटी जाएगा या कई बार दर्द की गोली भी खानी। सो इट्स अ फीचरलेस है टेंशन टाइप है, इट्स अ बायलेटरल है, दोनों पास से दर्द होएगा फ्रंटल रीजन। तीजा होता है क्लस्टर हेडेक या ट्राइजमल ऑटोमिकोफेजिया का एक टाइप है। क्लस्टर हेडेक एक्चुअली ट्राइजमल ऑटोमिकोफेजिया सब तो कॉमन टाइप है। क्लस्टर हेडेक का दूसरा नाम है सुसाइडल हेडेक। क्लस्टर हेडेक के विच पेशेंट नू सिर्फ साइड लॉक हो गया, एक साइड में दर्द होगी, पैरी ऑर्बिटल एक साइड में दर्द होगी, दर्द के नाल पेशेंट कई बार ऑटोनॉमिक सिम्पटम्स आते हैं, अख लाल हो जाती है, अख छोटी हो जाती है, अख तो आंसू आते हैं, नक तो नेजल डिस्चार्ज आ सकता है, और जी पेन है हमेशा चार घंटे तो पहले खत्म हो जाती है, मोस्टली दो घंटे या तीन घंटे खत्म हो जाती है। क्लस्टर हेडेक के स्पेसिफिक दो चीजें हैं, इट अकर्स इन क्लस्टर्स, मतलब चार तो लैके अठ हफ्ते रहेगा, ठीक है, और हो सकता है साल में दो बार जाए चार तो लैके अठ हफ्ते रहेगा। दूजी चीज जी इंपोर्टेंट है पीरियोडिसिटी, हर रोज उसे टाइम से सिर दर्द होएगा, और कई कई बार यह सिर दर्द रात को मरीज को सुते उठाता है, और जो ये मरीज का सिर दर्द होता है वह मरीज इन्ना ज्यादा दुखी होता है, सिर तो दिल करता मैं तुरा फिरा सिर दीवार से मारा सुसाइड कर लवा, इन्ना सवेर हेडेक कष्ट है। सो ये मेन टाइप ऑफ प्राइमरी हेडेक्स, माइग्रेन, टेंशन टाइप हेडेक एंड क्लस्टर, और भी बड़े तरह के प्राइमरी हेडेक्स होंगे, पर दीज आर मोस्ट कॉमन टाइप्स। हूँ असं नैक्सट क्वेश्चन पर आना है कि वट आर द मिथ्स अबाउट माइग्रेन। मैं बड़े देखे मिथ माइग्रेन के बड़े है, पहला मिथ लोग ये सोचते हैं कि जरा माइग्रेन है सिर्फ यूनिलेटरल हेडेक है, सिर्फ एक पास का सिर दर्द ही है, जब किसी को दो पास का सिर दर्द हो कहना मैं माइग्रेन नहीं हो सकता, ये गलत धारणा है। 50% लोगों बायलेटरल सिर दर्द होता है। सो पहली गलत धारणा है। दूजी गलत धारणा लोग इतने धोन के दर्द बोलते हैं, कहते मैं सर्वाइकल हो गया, सर्वाइकल हो गया, सर्वाइकल हो गया। याद रखो माइग्रेन के 70% लोगों नैक पेन हो जाती है, पाए स्टार्ट फ्रंटल टैंपोरली तो है पर बोली पिछले दिन, और 20-25% लोगों पिछों दर्द स्टार्ट होकर अगे ना और ना उन्हें उल्टियां दिल करता है, फोटोकॉपियां फोनकॉपियां होंगे, लाइटा बंद कर दिल करता है। सो दैट इज मिसडायग्नोज सर्वाइकल, सर्वाइकल स्पोंडिलोलिसिस नहीं है, वो बेसिकली एक माइग्रेन है। सो वो भी मिथ है। तीजा माइग्रेन हमेशा मरीज में देखे कि अखा वाले डॉक्टर को जाएंगे या ENT वाले डॉक्टर को जाएंगे साइनस देखने लेंगे, तो क्यों? क्योंकि माइग्रेन की मोस्टली दर्द भी पेरी ऑर्बिटल पेन होती है। सो सोचते हैं कि सू ग्लूकोमा हो, काला मोती ना हो या सा नंबर ना चेंज होना हो। सो याद रखो कि माइग्रेन की मोस्टली दर्द इतने ही होंगी है, और यही एरिया थोड़ा अखा का और साइनस का एरिया। सिमिलरली जिम्मे चेंज ऑफ वेरिएशन साइनस या जुकाम लगता है, उमें माइग्रेन का भी अटैक होते हैं। सो माइग्रेन इज ऑफन मिसडायग्नोज एज सर्वाइकल, रिफ्रैक्टरी एरर चेंजेस और साइनस। सो नैक्सट क्वेश्चन आता है माइग्रेन के बारे में, माइग्रेन की नैचुरल हिस्ट्री बारे, ये जानना क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि इतने ही सारे लोग गलत करते हैं। माइग्रेन की नैचुरल हिस्ट्री में सब तो पहले जो माइग्रेन स्टार्ट होती है एपीसोडिक हेडेक। एपीसोडिक मतलब जो पेशेंट को किसी एग्रावेटिंग फैक्टर एक्सपोज होया पेशेंट उदों से सिद्धा स्टार्ट होगी, उदों होंगी है पहले जिमें हफ्ते एक बार हो गया, फिर हफ्ते दो बार होना शुरू हो गया, फिर हफ्ते तीन बार होना शुरू हो गया। सो एवें एपीसोडिक इनू बोलते हैं एपीसोडिक माइग्रेन। एपीसोडिक माइग्रेन उदों ही होएगी जो बंदा एक्सपोज होएगा अपने ट्रिगरिंग फैक्टर। मोस्ट ऑफ द पेशेंट का दिन इंज ही चलता रहता है, वो इंज ठीक हो जाता है, पर कई पेशेंट एपीसोडिक माइग्रेन तो कन्वर्ट होकर क्रोनिक डेली हेडेक से आ जाते हैं, जिन्होंने क्रोनिक माइग्रेन बोलते हैं। हम तुम पूछोगे ये क्रोनिक डेली हेडेक की है, जो किसी मरीज में महीने के 15 सिर दर्द हो लगातार 3 महीने इंज चलता रहे और 15 8 प्रॉपर माइग्रेन वर्गी दर्द हो तो उन्होंने बोलते हैं क्रोनिक डेली हेडेक। फिर नैक्सट क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर साहब जी एपीसोडिक माइग्रेन जिम्मे कि कई
ज्यादातर लोग ठीक हो जाते, पर कुछ लोग ही क्रोनिक डेली हेडेक से कन्वर्ट होते हैं। वो कहे लोग है, ये वो लोग है जो लोग प्रिवेंटिव थेरेपी नहीं खाते, जो लोग मोटे होंगे है, जो लोग स्मोकिंग करते रहते हैं, जो लोग अपने ट्रिगरस को पहचानते नहीं, जो लोग अपने ट्रिगरस को नहीं पहचानेंगे, बार बार दर्दा की गोलियां खाई जाएंगे, दे विल कन्वर्ट फ्रॉम एपिसोडिक माइग्रेन टू क्रोनिक डेली हेडेक, क्योंकि फिर जो क्रोनिक डेली हेडेक होगा वो हर रोज दवाई खाएंगे, जो हर रोज दवाई खाएंगे तो फाइनली दे विल कन्वर्ट देमसेल्फ टू द एनालजेसिक ओवरड्यूस हेडेक। व्हाट इज एनालजेसिक ओवरड्यूस हेडेक? जो बंदा दर्दा की गोलियां या ट्रिप्टन जो है महीने 10-15 बार ज्यादा खाना शुरू कर, उन्होंने कहते हैं एनालजेसिक ओवरड्यूस हेडेक। सो ए माइग्रेन का लाइफ साइकिल है, एपिसोडिक माइग्रेन, दूजा है क्रोनिक डेली हेडेक, तीजा है एनालजेसिक ओवरड्यूस हेडेक। असी माइग्रेन के मरीजों एपीसोडिक माइग्रेन तो कन्वर्ट अगे बढ़ने रोकना है, असं उन्होंने क्रोनिक डेली हेडेक एनालजेसिक ओवरड्यूस हेडेक नहीं होने देना। सो नैक्सट क्वेश्चन आता है कि सर माइग्रेन होंगे ही क्यों है? देखो एक जेनेटिकली प्री डिस्पोज कुछ इंडिविजुअल्स होंगे जिन्हें कुछ ऐसे जीन्स होंगे जो उन्होंने ओवर सेंसिटिव करते हैं, वो नॉर्मल स्टिमुलाइज़ जिमें लाइट्स ओडर्स ओवर स्टिमुलेशन के कारण दिमाग के एक ट्राइजेमिनल वैस्कुलर सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, उसके कारण दिमाग यहोजे कैमिकल्स पेप्टाइड्स निकलते हैं जो दिमाग के सोजिश पैदा करते हैं, ब्लड वैसल्स डायलेट करते हैं, जिसके कारण सिरदर्द होता है। सो यह मतलब जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन भी हैगी है, ट्रिगर्स का एक्सपोजर भी जरूरी है। सो अपने ट्रिगर जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन बदल नहीं सकते तुसी, पर तुसी अपने ट्रिगरस नूं पहचानो, उन्हां तों बचो ताकि सिरदर्द दा अटैक ना। सो अगला क्वेश्चन आता है कि सानू हर सिरदर्द दे मरीज विच एमआरआई कराना चाहिए है या होर कोई इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए है? बिल्कुल नहीं। सो देर आर सम रेड फ्लैग्स, कोई वार्निंग साइनस होंगे है, सिर्फ उन्हां सिरदर्द दे मरीजां नूं ही सानू इन्वेस्टिगेट करना चाहिए है। हुण ओह की साइन है? सब तो पहला साइन है जे पेशेंट नूं सिस्टेमिक साइनस होण, जिवें फीवर होवे, नाल लोस ऑफ वेट होवे, लोस ऑफ एपीटाइट होवे, वे सानू एमआरआई कराना चाहिए। दूजा साइन है जे पेशेंट न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट्स होण, हेमीप्लेजिया होए, हेमीपरेसिस हो। तीजा साइन है जे पेशेंट नाल डिप्लोपिया, डिस्पेजिया या अखां दी विजन कमजोरी आ गई है या एक साइड ही कमजोर हो गई है। सो दीज आर न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट्स या न्यूरोलॉजिकल साइंस। तीजा है ऑनसेट, जे 55 साल तो बाद थोड़ा सिरदर्द स्टार्ट हो गया है तो दैन यू हैव टू गो हैड विद एमआरआई। चौथा है सडन सवेयर हेडेक, बंदा कि अज तक जिंदगी कभी इन्नी सिरदर्द कभी नहीं हुई थी, जिस कल थंडर क्लैप है, उन्होंने फटाफट एमआरआई कराना चाहिए है। 15 पैटर्न, पेशेंट कहे मैंने पहले भी सिरदर्द होंदा सीगा पर हुण उहदा पैटर्न चेंज हो गया, उहदी सिवियरिटी वध गई, उहदी फ्रीक्वेंसी वध गई, उहदा पैटर्न चेंज हो गया, दैन इवन दोस पेशेंट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। या कई बार पेशेंट कहता है कि मेरा सिरदर्द कफ करन नाल, खांसी करन नाल, बेंडिंग नाल इह वधदा है। सो इन्हां पेशेंट नूं भी एमआरआई करवाउणा चाहीदा। कई बार लोकल टेंडरनैस हुंदी है स्पैशली ओल्ड एज दे विच सिरदर्द दे नाल, विच नाल मैं कहिंदा अख दी रोशनी कटोर घट जी है। सो इन्हां पेशेंट नूं बेसिकली जेंट्स दा अटेंडेंस हो सकदा है, सो इन्हां पेशेंट नूं इन्वेस्टिगेट करना चाहिदा है। सो इह ओह पेशेंट्स है जिन्हां पेशेंट नूं सानूं इन्वेस्टिगेट करना ही चाहिए। सो इह याद रखो कि जिन्ना पुराना सिरदर्द हैगा उन्ने घट चांस है तुहाडा एमआरआई कुछ आउण दे। जो भी न्यू ऑनसेट सवेयर हेडेक होवे तुहानूं इह न्यूरो इमेजिंग करानी ही चाहिए है। सो दैन अपना लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाउ विल यू ट्रीट हेडेक? सो सबसे पहले डिफरेंशिएट करिए कि प्राइमरी है या सेकेंडरी है। जो सेकेंडरी है तो और उस हिसाब ना जो कारण है उसका इलाज करिए। जो प्राइमरी हेडेक है तो देखिए ये माइग्रेन है, टेंशन टाइप हेडेक है, कलस्टर है, तिना की दवाइया बिल्कुल अलग अलग है। पर माइग्रेन बारे मैं स्पैशली दसना चाहवागा, माइग्रेन वास्ते सब तो पहला काम है मैं पेशेंट को समझाना है कि अपने ट्रिगरस को पहचानो और उन्होंने बचो। हूँ की ट्रिगरस हो सकते हैं? मोस्टली लोगों का ट्रिगर होंगे रात को प्रोपर सुनते नहीं, अगले दिन सिरदर्द स्टार्ट हो जाता है, या ज्यादा सुनते हैं अगले दिन सिरदर्द स्टार्ट हो जाता है, या अपने मील्स को स्किप करते हैं, खाने तीनों टाइम पर नहीं खाते। तीजा गर्म सर्द हो जाते हैं, ठंडी हवा सिर पर लग गई, गर्म हवा सिर पर लग गई, या चेंज ऑफ सीजन से सिरदर्द स्टार्ट हो जाता है। कई बार कुछ फूड आइटम्स होंगे जो सिरदर्द कर दी है, स्पैशली जो चाइनीज उन्होंने मोनो सोडियम ग्लूटामेट होंगे या प्रिजर्व्ड फूड होंगे, प्रीपेयर्ड फूड होंगे, उन्होंने नाइट्राइट्स होंगे है, फिर चीज़ हो गया, फिर चॉकलेट हो गई, फिर कॉफी हो गई, कई लोगों उन्होंने सिरदर्द हो जाता है, रेड वाइन हो गई, अल्कोहल हो गई, स्मोकिंग। सो ये सारे ट्रिगरिंग फैक्टर्स है अपने। देखो इस फूड आइटम्स तो बचो, बचो, पहचानो कि तुम कल की खादा सीगा,
कोई बाहरों चीज तो नहीं खाधी सी, कोई नूडल्स तो नहीं खादिया सीगिया, क्योंकि जिसे एम एस सी जी होंगे उन्होंने तो सीधे स्टार्ट हो सकता है। दूजा है लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करो, रेगुलर एक्सरसाइज करने माइग्रेन घटता है, योगा मेडिटेशन करना एक्सरसाइज करते, योगा मेडिटेशन करने माइग्रेन के अटैक घटते हैं। सो ये नॉन फार्माकोलॉजिकल मैन्यूवर्स। बेसिक मुद्दा है कि अपने ट्रिगर्स को पहचानो और उन्हें दूर करो। दूजा है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट अगर दो तरह की है, एक होंगी ट्रीटमेंट अबोर्टिव ट्रीटमेंट, जो अटैक आया उदो की करना है, उदो असी नसाइड्स पेन किलर या ट्रिप्टन लवेंगे। दूजा है प्रोफिलैक्टिव ट्रीटमेंट, ताकि तुम अटैक आए नहीं ना, उदो स्टार्ट करी दी है जो तो बंदे सीधे हफ्ते एक बार तो ज्यादा हो जाए, महीने में चार तो पांच बार तो ज्यादा हो जाए, उदो फिर असी प्रिवेंटिव थेरेपी स्टार्ट करी दी है। साढ़े को बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है जिड़िया असं पेशेंट दी दूजी कोमोरबिडिटीज देख के, पेशेंट टू पेशेंट वेरीएबिलिटी वेरीएबल हों, जरा पेशेंट टू पेशेंट देख के असी डिसाइड करते हैं कि यह पेशेंट को कि प्रिवेंटिव थेरेपी बेस्ट है। तो उस तो बाद अपना आता है टेंशन टाइप हैडेक, यहाँ ट्रीटमेंट की कर सकते हैं। टेंशन टाइप हैडेक्स के सब तो पहले है कि पेशेंट में लाइफ स्टाइल मोडिफिकेशन, स्ट्रैस घटाने एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन एंड दैन सम एंटी डिप्रेसिवस, उन्होंने सब टेंशन टाइप हैडेक खत्म हो जाता है। सो वट आर द टेक होम मैसेजिज, टेक होम मैसेजिज ये है सब तो पहले कि सिर दर्द में सीरीयसली लगो, सैकेंडरी हैडेक में पहचानो, और जे सू सैकेंडरी हैडेक रैड फ्लैक्स है तो उन्होंने पेशेंट को एम आर आई कराओ, हर पेशेंट को एम आर आई कराने की लड़ नहीं है। दूजा जे तुम माइग्रेन हैगी है और एपीसोडिक माइग्रेन है, कदे कदे सिर दर्द होंगे जो सफर करने धुप्पे चलने, सो वो माइग्रेन के पेशेंट्स को कहो कि प्रोपर प्रोफिलैक्टिक मेडिकेशन स्टार्ट करन, जे उन्होंने अटैक चार या पांच बार तो ज़्यादा महीने में आ रहे हैं, ताकि वह कॉमन क्रोनिक डेली हैडेक कन्वर्ट ना हो। सो क्रोनिक डेली हैडेक तो कन्वर्ट पेशेंट उसे नहीं होता। तीजा पेन किलर्स जो है जो असं लोग ओवर द काउंटर से सीरीयसली लेंगे नहीं, जो सिर दर्द है दर्द की गोली खा ली, और दर्द की गोली ने तो लीवर खराब हो सकता है, किडनी खराब हो सकती, पेट का असर हो सकता है, फाइनली एनालिसिस के ओवरयूज हैडेक हो सकता है। सो हमेशा जो भी सिर दर्द हो, सिर दर्द पहले ही पहचानो और अपने न्यूरो फिजिशियन कंसल्ट करो। शुक्रिया, थैंक यू।